दिन मेरा नाम है सैम और आपका फिर से स्वागत है हमारे टेक्निकल माइंड यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं ब्लूटूथ स्पीकर। और इस ब्लूटूथ स्पीकर की खास बात यह है कि इसे आप रिमोट से भी चला सकते हैं। और इसे मैंने बनाया है कोकोकोला क्रेट और कार्डबोर्ड से, और इसे आप घर पर भी बना सकते हैं। तो वीडियो हम मज़ेदार होने वाली है, वीडियो को बिना स्किप कर पूरा देखें। तो चलिए वीडियो को हम शुरू कर दें।
तो गाइस हमारे स्पीकर का मॉडल बन के तैयार हो चुका है। अब बारी आती है यूएसबी बीटी 4440 कनेक्शन की। तो गाइस हमें यूएसबी बीटी 4440 मॉड्यूल मिला है ये 180 रुपये का, और ये मिला है मुझको ब्लूटूथ कार्ड मिला है, ये मिला है मुझे 100 रुपये का, और ये मिले मुझे वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है गाइस, ये मिला है मुझे 12 रुपये का एक वॉल्यूम, ये तीन वॉल्यूम लाया हूँ मैं, और इसकी कैप अलग से आती है, ये मिली है 2 रुपये की एक कैप मुझे। अब इसके कनेक्शन की तरफ आ जाते हैं। तो गाइस ये है हमारे स्पीकर के वायर, ये दो स्पीकर के वायर हैं हमारे, और ये हैं ब्लूटूथ कार्ड के वायर, ब्लैक और ब्राउन ब्लूटूथ कार्ड के वायर हैं ये। आपको 2 वायर इधर दिख रहे होंगे, ये इसमें कनेक्ट होंगे कुछ इस तरीके से, ये दोनों लगेंगे, अभी हम लगा के भी दिखाएंगे आपको। और गाइस ये हैं, ये भी हमारे ब्लूटूथ कार्ड के वायर हैं, ये कुछ इस तरीके से लगेंगे तीनों। और ये है एफएम का वायर, इसमें रेड वायर दिख रहा है आपको, ये एफएम का वायर है, और ये हमें इस तरीके से लग जाएगा, इससे आप समाचार भी सुन सकते हैं इसमें हमारे ब्लूटूथ स्पीकर में। और गाइस ये जो ब्लूटूथ कार्ड है इस, ये छोटे स्पीकर भी चला देता है। यूट्यूब पे कोई भी ऐसी वीडियो नहीं है, लेकिन मैं आपको अगली वीडियो आपको ऐसी बना के दिखाऊंगा, इससे ब्लूटूथ कार्ड से छोटे वाले स्पीकर भी चला के दिखाऊंगा। ये ब्लैक वायर और रेड वायर है, ये आपके बैटरी में लगेंगे, और अगर आपको ये ट्रांसफार्मर से चलाना है तो फिर ये दोनों रेड वायर लगेंगे। स्लेट को करते हैं हम साइड में, और हमने ये बॉक्स बनाया है, ये हमने कट भी कर लिया है, इसमें चीज़ें फिट करेंगे हम।
बारी आती है इसे टेस्ट करने की, और इसे हम ऑन करते हैं। अब ब्लूटूथ स्मेल गाइज। ये जो स्पीकर है इसके बारे में कुछ बात बतानी है आपको। ये जो स्पीकर है ये 20 साल पुराने स्पीकर है, 2001 के ये स्पीकर है, और ये मैंने खुद से रिपेयर करे हैं दोनों स्पीकर। ये ऊपर रखे थे कबाड़े में, और रिपेयर करने से पहले की वीडियो आपको ऊपर दिख जाएगी। और गाइज ये जो ट्यूटर है ये 100 रुपये परचेस करे मैंने मार्केट से। और आप सोच रहे होंगे CPU फैन मैंने क्यों लगाया, तो इधर आइए गाइज। तो गाइज ये जो CPU फैन है ये IC ठंडी करता है इसकी, और ये वरना फूक जाती है IC, इसलिए मैंने CPU फैन लगा दिया है। ये रही IC इसकी गाइज, देखिए था ये ठंडी, CPU फैन ठंडी कर देता है, और ये वाला CPU फैन बाहर निकाल देता है इसकी एयर। अब गाइज बहुत मेहनत करी इस स्पीकर पे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।